देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं ममता बिष्ट, आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों में। खबर अल्मोड़ा से, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तराखंड किसान सभा के जिला पदाधिकारी आज अल्मोड़ा के गांधी पार्क में गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किसानों के आंदोलन के समर्थन में उपवास पर बैठे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा कर किसान विरोधी बिलों को वापस ले। इस मौके पर देश में किसान आंदोलन पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन सरकारी दमन के आगे नहीं झुकेगा, आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। उत्तराखंड किसान सभा के जिला संयोजक दिनेश पांडे ने कहा कि आज किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। सरकार के उद्योगपतियों के साथ मिलकर किसानों के इस आंदोलन का दमन करने में लगी है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इसी को लेकर उनके द्वारा आज शहीद दिवस पर उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांग को पूरा करे, जब तक वो किसानों की मांगों को नहीं मानती उनका आंदोलन जारी। आप देख रहे हैं अल्मोड़ा से रक्षिता बोरा की रिपोर्ट। आयोजन आज वैसे शहीद दिवस होता है, एक तो गांधी जी को श्रद्धांजलि का दिन होता है, उनको याद करने का था। लेकिन जो देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहा है आज के दिन, और जिस तरीके की गतिविधियां उसमें की जा रही हैं, सरकार द्वारा उसको लगातार तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने एक आह्वान किया था आज के दिन का, दो संसद मार्च का। लेकिन 26 तारीख के घटनाक्रम को जिस तरीके से सरकार ने बनाया और जिस तरीके से उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, तो किसानों ने आज के दिन पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ये आह्वान किया कि आज के दिन हम यहाँ पर इस शहीद दिवस पर ये उपवास रखेंगे और इस आंदोलन के समर्थन में अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।